दिबलूर कृषि सहकारी सभा में करोड़ों के गबन मामले के आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद सभा के पीड़ित उपभोक्ताओं ने हमीरपुर पुलिस थाना में आकर प्रदर्शन किया और बाद में पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीना से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उनका डूबा हुआ पैसा जल्द वापस न होने की सूरत में आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। वहीं पकड़े गए आरोपी सचिव पृथ्वीराज को 4 दिन का पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि करीब 9 माह पहले ब्लूर सहकारी सभा में आरोपी सचिव ने ग्रामीणों के जमा 7 करोड़ रुपए का गबन करके परिवार सहित फरार हो गया था। सचिव के फरार होने के बाद से ग्रामीणों ने कई बार पुलिस और अधिकारियों के साथ मिलकर पकड़ने की गुहार लगाई थी। जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए का गबन करने के बाद सबसे पहले आरोपी हमीरपुर से भागने के बाद गाजियाबाद पहुंचा। उसके यहाँ पर एक कपड़े का कारोबार शुरू किया, लेकिन किसी ने उसे सूचना दी कि पुलिस आ रही है। वह अपना कारोबार छोड़कर कानपुर पहुंच गया। इसके बाद वह उत्तराखंड के देहरादून पहुंच गया। जब पुलिस को खबर मिली कि आरोपी देहरादून है तो वह वहां से मोहाली चला गया। इसके बाद पठानकोट में एक दुकान में काम कर रहा था, लेकिन यहां हमीरपुर के एक स्थानीय व्यक्ति ने उसे पहचान लिया के बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस पठानकोट पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस थाना परिसर में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीणों की मदद से ही आरोपी को पठानकोट में एक दुकान से पकड़ा गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद अब जल्द ही लोगों के करोड़ों रुपए की वापसी होनी चाहिए। हमारे गांव ब्लूट से मेला मंडल की हूँ। तो ब्लूट गांव की जो कॉपरेटिव सोसाइटी है, उसका जो पृथ्वीराज भाग गया था, उसको गांव वालों की बड़ी अचीवमेंट है जो पुलिस वालों ने नहीं पूरी की। हमारे गांव के 2 बंदे गए थे, भाई साहब गए थे, उन्होंने वहां पर पठानकोट में उसे एक शोरूम में एक दुकान में काम करते पकड़ा और वहां से वो लाए। जब वहां से चले गए तो उन्होंने कॉल की मुझे, सबसे पहले मुझे कॉल की। तो कॉल करके जैसे मैंने गांव वालों को इन्फॉर्मेशन दी, 2-3 बंदे लेकर गाड़ी लेकर मैं आई। जैसे हमारे प्रधान जी ने पुलिस थाना में भी रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन पुलिस वाले जब हम यहाँ थाना में पहुंचे तो पुलिस वाले कोई भी उसे पकड़ने नहीं गया था। यहाँ से गए पुलिस वालों को साथ में, पुलिस वालों की गाड़ी लेकर गए और हमने जाकर नदौन पुल के पास जाकर नाका लगवाया पुलिस से। तब हमने उनसे उस बंदे को हिरासत में दिया हमने पुलिस के पास, जबकि पुलिस वालों का काम था कि वो इसे ला सकते, लेकिन इस काम में पुलिस नाकाम रही। फिर अब हमारी पुलिस वालों से ये है, जैसे हम अभी मिलने आए गांव वाले सभी, तो वो हमें अपनी ज्यादा आंखें दिखा रहा था, ज्यादा एक्टिट्यूड बता रहा था, जबकि उसने 7 करोड़ का गमन किया। उसे तो शर्म से ऐसे ही ये होना चाहिए था कि वो गांव वालों को आंखें उल्टा आंखें दिखा रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट ढंग से इसका रिमांड ले तो वो बंदा ढंग से पूरी बात बताएगा। अभी तो बोल रहा है कि उसने शोरूम में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो खुद घाटे में गया, लेकिन वो 7 करोड़ का गमन है कि वो अकेला बंदा तो नहीं खा सकता है, उसके साथ विभाग वाले इन्वॉल्व हैं। ऊपर से पता नहीं कितने निकलेंगे, अगर ये पूरी बात ये ढंग से रिमांड लेंगे तब भी ये पूरी बात रखेगा। ऐसे तो उसने पूरे गांव को डूब रखा है। अगर पुलिस वाले हमारा साथ देते हैं, ढंग से इसका रिमांड लेते हैं, तो ये पूरी बात रखेगा, तो हमारे पैसे जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। ऐसे तो डूब ही रहे हैं, बाकी और क्या बताएं। ग्रामीण महिला ने बताया कि 9 महीने से पुलिस के हाथ खाली थे और अब गांव वालों के सहयोग से ही आरोपी को पठानकोट में पकड़ा गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द लोगों के पैसों को वापस किया जा सके। मिलने आए थे हम लोग उससे पूछताछ करने कि वो इतने दिन कहाँ रहा, क्या किया उसने, हमारा पैसा कहाँ रखा और हमें फर्जी लोन क्यों डाला गया, ये पूछने आए थे। तो पुलिस वालों के हाथ कुछ लगा नहीं, 9 महीनों से पुलिस के हाथ खाली रहे। तो गांव वालों ने ढूंढ के लाए, गांव वालों के एक लड़के ने, उसका नाम रवि दत्त है, तो वो पठानकोट से जा रहे थे, तो उनको दिखा और उन्हें दबोच लिया, उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले आए और यहां से गांव वाले भी गए। उन्होंने गांव वालों को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस वालों का हाथ खाली, इनका लड़का है, इधर आओ आप, इनका लड़के ने पकड़ के लाया है। हाँ जी, मेरे लड़के आया लड़के पकड़ी ने, पुलिस वाले को आवाज दीती, पिंड वाले को आवाज दीती, बाटा दे लगा, पुलिस वालों को यहाँ से साथ लेके गए, कने गाड़ी उनकी पुलिस वालों की, लाख रुपया, हमारी जमीन भी बाउंड, हमारा मकान भी बाउंड, प्रधान बने वही पिछली कमेटी के मेंबर। हाँ जी, मेरे लड़के आया लड़के पकड़ी ने,
पुलिस वाले को आवाज दी, पिंड वाले को आवाज दी, बाटा नहीं लगा पुलिस वालों को यहाँ से साथ लेके गए कने गाड़ियों की पुलिस वालों की लाख रुपया हमारी जमीन भी बाउंड हमारा मकान भी बाउंड प्रधान बने वही पिछली कमेटी ने। उधर पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने कहा कि एडिशनल एसपी को मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी सचिव की चल और अचल संपत्ति की जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं ताकि पीड़ित लोगों के नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने कहा कि आरोपी के सिर पर बाल नहीं है लेकिन वह नकली बाल वाली टोपी पहनकर पठानकोट में घूम रहा था ताकि पहचान न हो सके। बावजूद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।